याद आया ये मेरा बच्चा था, पुलिस के सामने मेरे बच्चे को अच्छा। मुंबई के धारावी में एक हत्या से सनसनी मची हुई है। बता दें कि सैकड़ों लोगों के सामने अरविंद वैश्य की नियाज और आरिफ ने चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को धारावी में आरिफ और नियाज का किसी युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद अरविंद वैश्य मामला शांत कराने पहुंचा था। वहीं पुलिस तक ये मामला पहुंचने के बाद दो पुलिस कांस्टेबल धारावी के उसी जगह पहुंचे थे जहां ये विवाद हुआ था। हालांकि उसी दौरान आरिफ और नियाज ने अरविंद वैश्य की हत्या कर दी। वहीं जब हत्या के अगले दिन अरविंद की शव यात्रा निकली तो उस पर पथराव भी किया गया। मुंबई के धारावी इलाके में राजीव गांधी नगर के पास यही वो स्पॉट है जहां पर रविवार की देर रात अरविंद वैश्य की हत्या को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है, पुलिस वाले दो जो हैं वो यहां पर अरविंद के पीछे पीछे गाड़ी के साथ आ गए थे। वो यहां पर एक स्पॉट दिखाने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था, लेकिन जो आरोपी हैं उसमें से नियाज शेख और आरिफ शेख, इन दो लोगों ने उस पर हमला किया। नियाज ने धारदार हथियार से चाकू से एक के बाद एक लगातार जो है अरविंद वैश्य के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद जख्मी हालत में जब अरविंद को सायन अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जो इस मामले में नियाज और आरिफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद में जब अगले ही दिन जब यहां से शव यात्रा निकल रही थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शव यात्रा के कुछ निशान जो आज भी यहां पर दिखाई दे सकते हैं। जब शव यात्रा यहां पर निकल रही थी तब आरोप के मुताबिक यहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। जब शव यात्रा निकल रही थी उसमें भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल थे। कई सारे हिंदू संगठनों ने इस हत्या का विरोध भी किया, इसको लेकर के अनशन किया। लेकिन जब शव यात्रा निकल रही थी तब कुछ लोगों ने यहां पत्थरबाजी भी की, कई बीजेपी नेता भी यहां शामिल थे। अब ये मांग की जा रही है कि आखिर ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे, इन्हें भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गिरफ्तारी की मांग उठ गई है। और फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस के सामने आखिर कोई आरोपी जो नियाज और आरिफ है उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, वो पुलिस से कानून से इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं कि वो सरेआम सबके सामने वो इस तरीके से हत्या को इतनी बेगमी से अंजाम दे। दूसरा सवाल जो है वो लोगों के ऊपर भी उठता है। जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि लोग यहां तमाशबीन बनकर के खड़े रहे, देखते रहे, लेकिन बचाव के लिए कोई बीच में नहीं आया, तो ऐसे में आखिर जनता जो है वो संवेदनहीन कैसे हो सकती है, ये अपने आप में ये सवाल है। फिलहाल यहां पर जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। अलग अलग जो फुटेज है उसे खंगाल गई है ताकि जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी शिनाख्त की जाए, उन्हें चिन्हित किया जा सके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस इलाके में अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर मुंबई पुलिस के अलावा रायट कंट्रोल और अलग अलग यहां पर जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, शांति बनाए रखें और ऐसे में यहां पर कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए पुलिस का पर्याप्त बल भी यहां पर तैनात किया गया है। इस हत्याकांड के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि ये सवाल भी उठ रहा है, कोई कैसे इतना बेखौफ हो सकता है कि पुलिस के सामने ही किसी की हत्या कर दे। वहीं अरविंद की हत्या के बाद उनका परिवार सदमे में है। अरविंद की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। धारावी के रहने वाले अरविंद वैश्य, इनकी कुछ बदमाशों ने बड़ी ही बेगमी से हत्या कर दी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अरविंद, उनकी माताजी मौजूद हैं, उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। बहन जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि उस दिन रात को क्या हुआ और ये हत्या करने वाले लोग कौन थे और किस तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया? सर, पहली बात तो मुझे यही पता है कि हमको इस सब चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। मुझे भी हमको इस समय बस इतना, जैसे हम लोग ने आया है गड़िया से जैसे उतरे मिलते मेरे भैया चक्कैया बोल दे, हमको सब पता है, मैं देखी नहीं हूँ ना मैं सुनी हूँ, सब यही बोल रहे थे कि गाड़ी से आया। वीडियो देखा तब हमको मालूम पड़ा, हम सब यही बोले कि तुम्हारा लड़का गाड़ी से आया, जैसा उतरा गया था किधर नहीं गया था, मैं नहीं जानती, पीछे पुलिस था, आगे मेरा बच्चा था, पुलिस के सामने मेरे बच्चे को अच्छा हो गई। सब यही तीन बार मारे हमारे बेटे को, झूठ बोल रहे हैं, मैं देखी।
इंसाफ मिलेगा ना जरूर। हमारे बच्चों को मिले भी गुनाह से मार भैया मार गड़िया से आए ने कड़ाई भाए ने वो ताई भाई आए बोल। उसके दोस्त ने बोला मैं आता हूँ स्कूटी लगाने वहाँ गया, उतने में उन लोग आगे से आए ऐसी पकड़े और देखने वाले ने क्या बोला कि हम दिखा ही नहीं चाकू लिया उसने यहाँ छुपाया था, वो जैसे उसको कॉलर पकड़ के अंदर डाल दिया और वो उसी टाइम ऐसा गिर गया, लेकिन उसको उठा के दो तीन बार मारे तो मारे पास पूछने से चाकू को मारे एक बार हमारे भैया का मारे उसी टाइम तोड़ दिया। अरविंद वैश्य के परिजन ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हत्या के वक्त वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वाले चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। पुलिस वाले भी थे पुलिस वाले थे। कुछ नहीं किया पुलिस क्या मालूम बचाया जा सकता था सर जा सकता था। अगर एक जैसा माना कि वो उनको चाकू ने लेकिन अगर वो हाथ से ही मारा तो भी तो उनको फाक के आके पकड़ना चाहिए, वो सेकंड थर्ड क्यों हुआ अभी सब कुछ मुझे नहीं मालूम। साहब कहां मारे ये बताओ अभी आपको इंसाफ कैसे चाहिए, ये लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? ये लोग का पूरी जिंदगी सजा होना चाहिए, झूठना नहीं चाहिए, उनकी जान नहीं लेनी है हमें, जान नहीं चाहिए हमारे, जान जान लेने से हमारा भैया नहीं मिलेगा, हमें जान लेने की हक नहीं है, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं होता है। हमको पूरी जिंदगी वो हरे छूटे न जाए मेरे भैया को, मेरे भैया को एक बार नहीं तीन तीन बार मार देना है, मारा बच्चा एक बार मारा होता तो बच जाता, एक बार मारा होता शायद तो मेरा भैया बच जाता। क्या कर पाएगा मेरा अभी एक बार में अगर उसको इतना उन लोग, आप सोचिए ये कंटिन्यू होने की वजह से आप जो उनको डर नहीं था, नहीं तो एक बार उनको मार के भाग जाना चाहिए था, बट उन लोगों ने नहीं हिम्मत की, उनकी हिम्मत देखिए ना, मारते गए ऐसा कैसे उन लोग कर सकते हैं, इतने बेखौफ कैसे, इनको कोई पुलिस का डर नहीं कानून का डर नहीं, जाने हम लोग नहीं जानते क्यों नहीं डरे, क्या कारण से नहीं डरे, किस कौन सा सपोर्ट हो, अब हमको क्या पता किसके सपोर्ट से नहीं वो डरे हम नहीं बता सकते। हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम साहेब कि क्या तुम्हारा तुम क्यों आए हो, हमको क्या मालूम साहेब, हमको कुछ ना उनको हम जानते हैं ना हम चिन्हते हैं ना हमारा बच्चा किसी से मतलब रखता था। अरविंद की हत्या से उनके परिवार वाले बदहवास हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो किसी को बचाने गया था लेकिन नियाज और आरिफ उसे मारते रहे लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया, बचाने के लिए गया लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, इतनी पब्लिक थी फिर भी कोई नहीं आ पाया उसको बचाने के लिए, आसपास के लोग खड़े थे वहाँ पर देख रहे थे, आसपास के लोग सीसीटीवी फुटेज में आया है लेकिन कोई नहीं बचाया। आम बात के ऐसे वो गया था झगड़ा छुड़ाने और इतना बड़ा हो गया इंसिडेंट फिर भी कोई नहीं आया बचाने के लिए, होगा छुड़ाने चला गया होगा, कौन सा गलत कर दिया। आप अपना ख्याल रखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से परिवार बता रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उनके सामने ये हत्या को अंजाम दिया गया, अगर वक्त रहते शायद जो है अरविंद को बचाया जा सकता था। दूसरी तरफ परिवार ये भी कह रहा है कि वहां पर सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, लोग तमाशबीन बनकर के सब कुछ देखते गए, अगर उनमें से किसी ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज अरविंद हमारे बीच में होता, लेकिन अफसोस की बात है कि आज अरविंद हमारे साथ नहीं है और परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वो ये नहीं चाहता कि उन्हें फांसी हो आरोपियों को लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि वो ता उम्र जो है वो जेल के भीतर गए, वो बाहर ना निकले, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी। ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद वैश्य आरएसएस से जुड़ा हुआ था, उसकी हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।